हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लाए हैं कच्चे आम की रेसिपी। इसको बंगाल में गुड़म्मा बोला जाता है या फिर कई जगह पर इसको आम की लौंजी भी बोलते हैं। इसकी खास बात यह है कि आप इसको बनाकर लंबे समय तक इंजॉय कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसको बनाना बहुत आसान है और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में फटाफट बनकर रेडी हो जाता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आम की लौंजी या आम का गुड़म्मा बनाने के लिए हमें चाहिए होगा कच्चा आम। हम यहाँ पर 3 आम ले लिए हैं कच्चा। गुड़ ले लेंगे हम 75 ग्राम के करीब, हमने गुड़ ले लिया है। यहाँ पर 1 चम्मच देसी घी और आधा छोटा चम्मच जीरा ले लेंगे। इसमें गुड़ की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये आपके गुड़ पे भी डिपेंड करता है और कच्चे आम पे भी डिपेंड करता है। अगर कच्चा आम है बहुत ज़्यादा खट्टा है तो आपको गुड़ की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा डालनी पड़ेगी, और अगर गुड़ जो है वो उसके टेक्सचर या फिर उसकी क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका गुड़ कितना मीठा है। तो अब हम सबसे पहले आम को छील लेंगे और इसके सारे पल्प को छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लेंगे। ये देखिए गाइस, मैंने आम को है वो छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है और अब हम इसको 2 से 3 मिनट तक उबलते हुए पानी में डालकर थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक बॉईल कर लेते हैं। और पानी उबल चुका है, हम इसमें कटा हुआ आम डाल देंगे और 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे ताकि आम जो है थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए 2 मिनट हमारा आम बॉईल किए हुए हो गया है। देख सकते हैं आप, हमारा आम एकदम सॉफ्ट हो गया है। ये देखिए देखिए, ये अंदर टूट जा रहा है, यानी कि आम एकदम सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसको क्या करेंगे, छान लेंगे, और छानने के बाद इसके पानी को हम फेंकेंगे नहीं, इसके पानी को हम आगे यूज़ करेंगे। फिर से गरम करने के लिए रख दिया है और इसमें हम डाल देंगे एकदम थोड़ा सा, आधा चम्मच से भी थोड़ा सा कम देसी घी, और इसको मेल्ट होने देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 1/4 टेबल स्पून जीरा, और जीरा को थोड़ा सा स्प्लटर होने देंगे। बहुत लोग इसको कुछ मसालों के साथ भी बनाते हैं, जैसे पंचफोरन या फिर और कुछ भी मसाले डालते हैं, लेकिन आप एक बार सिर्फ जीरे के साथ बनाकर ट्राई कीजिए। इसकी जो खुशबू है आम की और इस गुड़म्मे का जो टेस्ट है बहुत ही अमेजिंग आता है, क्योंकि और भी हम पंचफोरन या फिर और जो भी मसाला डालकर हम इसको बनाते हैं तो ये नॉर्मल इमली की चटनी या फिर आम की जो नॉर्मल चटनी होती है वैसा टेस्ट आने लगता है। ये ओरिजिनल गुड़म्मा जो होता है सिर्फ जीरे के साथ बनाइए, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू और टेस्ट आता है इसका। तो अब हम इसमें आम डाल देंगे और इसको हल्का सा बस रोस्ट कर लेना है, आपको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का सा बस रोस्ट करना है। तो चलाते रहिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो 2 मिनट हमने फ्राई कर लिया है एकदम रोस्ट हल्का सा, और अब हम इसमें पानी जो बचाकर हमने आम का रखा था वो हम थोड़ा सा डाल देंगे इसमें। हम इसमें डाल देंगे क्रश किया हुआ गुड़ और इसको भी अच्छे तरीके से मेल्ट होने देंगे। गुड़ जो है पूरा मेल्ट हो गया है, सारा गुड़ अच्छे तरीके से, और अब हम इसको 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे हाई फ्लेम पर। और आपको इसकी कंसिस्टेंसी जैसी भी रखनी है, थिकनेस आप अपने अनुसार इसकी रख सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, गुड़म्मा जो है हमारा बन करके बिल्कुल रेडी हो गया है। देख रहे हैं कितना यम्मी लग रहा है देखने में।
तो ये देखिए हमारा कच्चे आम का गुड़म्मा बनकर रेडी है सर्व करने के लिए। इस गुड़म्मे के ऊपर से हमने अलग से कोई भी मसाला ऐड नहीं किया है, काला नमक, मिर्च पाउडर या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें हमने ऊपर से नहीं ऐड की है। ये ऐसे ही बिल्कुल खाने में बहुत यम्मी और मज़ेदार लगता है। आप इस गुड़म्मे को पूड़ी, कचौड़ी, नमकीन पराठे, रोटी किसी के साथ भी सर्व करके इंजॉय कर सकते हैं। ये गुड़म्मा हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। आप इसे ज़रूर बनाकर एक बार ट्राई कीजिए अपने घर पे। और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और हमारे इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।